हाय गाइस, इस अली अगेन। अच्छा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये क्रिसमस ट्री है और यहाँ पे क्योंकि रशिया में क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रही है तो इस वजह से इन्होंने अपना घर सजाया हुआ है। अच्छा, ये क्रिसमस ट्री यहाँ पे इसे योल का बोला जाता है क्योंकि ये लोग सिर्फ न्यू ईयर में इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हमारा बनाने का मकसद जो है, इस वीडियो में आपको बताया जाए कि आप रशियन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई यहाँ का प्रोसीजर क्या है, किस तरह स्टार्ट किया जाए। रशियन वीज़ा, कोई सा भी आपने रशियन वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए होती है जिसका नाम है वीज़ा इन्विटेशन लेटर, जो कि कुछ इस तरह का होता है। और ये यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी इसे इशू करती है जिसका नाम है FMS। FMS स्टैंड फॉर फेडरल माइग्रेशन सर्विसेज। इस लेटर के बगैर, यानी इस वीज़ा इन्विटेशन के बगैर आपका कोई सा भी वीज़ा नहीं लग सकता। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट लेटर चाहिए होता है जो कि आप अपनी एजेंसी से डिमांड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, अब आपको अपनी रशियन एम्बेसी जाना होगा और वहाँ से आपको पता करना होगा कि उनकी अदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्योंकि ये कंट्रीज टू कंट्रीज वेरी करती हैं। जी, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छी कंसल्टेंसी फर्म को चूज करें अपने लिए, क्योंकि अगर आपसे ज़रा सी भी गलती हो जाए तो इसका नुकसान ये हो सकता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपका काफ़ी पैसा और टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है, इन सारी चीज़ों से, इन सारी मुश्किल से बचने के लिए आप किसी अच्छी कंसल्टेंसी फर्म को चूज़ करें। अच्छा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए मैं आपको अपनी कंट्री के बारे में बताता हूँ कि हमारी कंट्री में जो दो मेन रिक्वायरमेंट है वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट। जी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, जब मैं रशियन एम्बेसी पहुंचा तो मैंने वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा, तो उसमें जब हमने उनसे बातचीत शुरू की तो उन्हें पता चला कि भाई इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये छठा या सातवां चक्कर था, क्योंकि उन्हें काफ़ी नो हाउ नहीं थी, इसकी वजह से उनका काफ़ी टाइम बर्बाद हो चुका। थैंक्स गॉड, क्योंकि मेरी कंसल्टेंसी फॉर्म ने मेरी बहुत हेल्प की जिसकी वजह से मैंने अपना बहुत सारा टाइम सेव किया। अच्छा, जब आप एम्बेसी जाते हैं तो आपको, यानी वीज़ा सबमिशन के वक्त, आपसे वीज़ा ऑफिसर एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेता है। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान होता है। अगर आपका कंसल्टेंट स्ट्रांग है तो वो आपको पहले से प्रिपेयर कर लेता है, यानी आपको बता देता है कि भाई किस तरीके से आपने जाना है, क्या क्वेश्चन आंसर होने हैं। तो आपको पहले से ही पता होता है कि भाई क्या क्वेश्चन होने हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर होते हैं, तो आप आसानी से उसके सवाल का जवाब दे देते हैं। और अगर वीज़ा ऑफिसर आपका केस सबमिट कर ले उस वक्त, तो वो आपसे वीज़ा फीस लेता है और आपको, यानी आपको पता चल जाता है कि भाई हमारा वीज़ा लग जाएगा और एक हफ्ते बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ कर दे तो उसी टाइम पर ही आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और उस टाइम पर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और वो आपसे वीज़ा फीस भी नहीं। अच्छा, ये मैं आपको अपनी कंट्री के हवाले से ही बता रहा हूँ, पाकिस्तान के हवाले से। दूसरी कंट्री का हो सकता है प्रोसीजर अलग हो, तो ये वो आपको देखना पड़ेगा या अपने कंसल्टेंट से आपको पूछना पड़ेगा, तो वो आपको डिटेल में उसका बता देंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ होने के बाद आपको एक हफ्ते बाद शॉर्ट स्टे वीज़ा इशू होता है जो कि 3 महीने का होता है, और वो यहाँ आके आपको आराम से वो कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग स्टे वीज़ा के ऊपर। उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ये मैं आपको आपकी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये एक्सटेंड कैसे होता है और किस तरीके से क्या फील होती है। अगर आप रशिया आना चाहते हैं तो भाई मैं तो यही चाहता हूं कि आप कोई अच्छी सी कंसल्टेंसी फर्म अपने लिए चूज करें ताकि आप मुश्किलात से बच सकें। और क्योंकि मैं जिस कंपनी के थ्रू आया हूँ उस कंपनी का नाम है रैप्टस, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप काइंडली इसको, आप यानी इस कंपनी के थ्रू आप आ सकते हैं जिसका लिंक आप नीचे देख सकते हैं। शुक्रिया, और आने वाली वीडियो में देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।